तो राम राम जी से बोलो भाई, एनडीआर वर्ल्ड वालों यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है वह वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि भाई एक ऐसा ट्रैक्टर है जो मार्केट की डिमांड में काफ़ी छा रखा है, और छा रखा भाई काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। तो आज ना उससे के मतलब उससे ट्रैक्टर की वीडियो बनाएंगे। लेकिन भाई सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे, बाकी मिलते हैं भाई वीडियो में। तो भाई यो ट्रैक्टर है जी स्वराज 855, जिसका भाई 4x4 में है जी। तो इससे की वीडियो है जी, जो कर भाई यो आवे है जी, कंपनी तो आवे है 52 HP की कैटेगरी ऐसे, मतलब RC पे लिखे है, वैसा यू 55 HP का होवे है। बाकी यो ट्रैक्टर है जी सेंटर गियर वर्क्स में है। तो अगले वाले टायर की बात करें तो भाई इस समय कितने हैं जी, 9524 के टायर हैं जी फ्रंट वाले। और बैक वाले की बात करें जी, तो बैक वाले जो टायर हैं वह हैं 16928 के। तो बाकी भाई बात करें, आपने सपना न्यू भी रहा भाई, जो 3 सिलेंडर इंजन है इसमें, बोस कंपनी का इनलाइन पंप है और काफ़ी बढ़िया जोर लगा हुआ है। और भाई स्टेयरिंग की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त बना रखा है कंपनी ने। यो जो है भाई जैसा डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ में दे रखा है कंपनी ने। और सबसे बढ़िया बात तो यो चीज़ है भाई इस ट्रैक्टर की, जो कर यो चीज़ भाई कंपनी ने क्रॉस में दे रखी है, जैसे कभी ख़राब हो जाए तो आप इस ना भारत मिस्त्री के द्वारा जाके ना इसे अलग करके, मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा खोलने की ज़रूरत ना पड़ा करती, और काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जा है, काम बढ़िया रह जा है। और अपने अकॉर्डिंग इससे मतलब कम भी हो सके है इसकी कटाई, और इससे ज़्यादा भी हो सके, अपने काम के अकॉर्डिंग आप इससे कर सको हो, जैसे बस इतनी गर्जा है जड़ अड़ा तू नटकरा जा है। बाकी देख सको भाई यो जा रही है इसकी फ्रंट वाली PTO सॉफ्ट 4x4 की, और कितने जा रही है वो चीज़ देखो आप, गेयर बॉक्स तो इस तक लिकड़ के जा रही है जो चीज़ है भाई, काफ़ी बढ़िया बना रखा है कंपनी ने। और भाई टायरदान की बात करें जी, तो कंपनी ने यो थोड़ी सी लुकिंग में आउट थोड़ा आउट कर रखा, अगर जो आ रहा है 900। बाकी जो बात कर रहे हैं तो इसके प्लेटफॉर्म की भाई यो चीज़ रखा है काफ़ी बढ़िया है जी, मतलब कंपनी ने यो चीज़ मिसिंग कर रखी है, अगर यो फ्लैट पैरदान में होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, यो आर्म रेस्ट कातर दे रखे हैं जी पैरदान है, तो यो भी चीज़ बढ़िया है। और यो इसका भाई 4WD का गेयरबॉक्स हो लिया या, तो काफ़ी चीज़ है या। और यो है जी इसमें भाई PTO गेयरबॉक्स है या इंडिपेंडेंट क्लच है इसमें भाई, जब मतलब PTO क्लच है इसकी, तो काफ़ी बढ़िया दे रखा है। और पीछे का होकर दिखा था भाई, काफ़ी इसमें भी मडगार्ड काफ़ी चेंज कर रखे हैं कंपनी ने, मतलब मॉडल अलग बना रखा है, टॉप मॉडल है जी स्वराज का 855 में 4x4 में। और यो देख सको भाई ये सबसे बढ़िया इसका भाई, मैंने यूँ लग गया इसका हुक भाई, हुक का सिस्टम लग गया था, काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी ने, काफ़ी बढ़िया दे रखा है, मतलब जितना नंबर जियो हैवी हुक लगा दो, ट्रोला व्रोला कि मैं ओवर भी चला दो, बढ़िया चल ले रहा है यार ट्रैक्टर। और डुअल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर बाल भी आ रहा है इसमें, और यो जो है लीवर वाइज में ये लिफ्ट का दे रखा है कंपनी ने, जड़ा तक पीछे था अगर अपने अकेले हो कल्टीवेटर वगैरह लगाने की अगर जरूरत पड़ जाए तो आप अपने ऐसे ही नू कर सको, पीछे खड़े हो गए, तो ये चीज़ भी कंपनी ने काफ़ी सोच समझ कर, मतलब इससे ट्रैक्टर भाई मैंने ये देख रखा है तो काफ़ी बढ़िया है स्वराज के ट्रैक्टर में, और हमें भी आप है जो चीज़ बढ़िया है जी। और यो चीज़ है जी, तो यो है एक यो दे रखे है कंपनी ने, पीछे लाइट उलूट के कदा लगाने हो तो यो चीज़ भी ठीक ठाक है। और बाकी बात करें परली साइड तक, तो परली साइड चल ले रहे हैं भाई, और आप देख सको भाई तो काफ़ी चीज़ बढ़िया बना रखी है, और यो हैवी ड्यूटी बना रखा है जी, हैवी ड्यूटी काफ़ी बढ़िया है यार। और भाई इस माना थोड़ी बहुत वेट की कमी पड़ सके, जब स्लिप काट के चल लगा या कंपनी ना एक्स्ट्रा वेट ना दे रखी है 4x4 के अकॉर्डिंग, तो यो चीज़ कंपनी ने काफ़ी बढ़िया ना दे रखी भाई। वैसे तो ट्रैक्टर काफ़ी दमदार लग गया करा, बढ़िया है जी यार ट्रैक्टर है, एक नंबर का ट्रैक्टर लग रहा है। और ट्रैक्टर भी कहो भाई स्वराज कंपनी का आया, और यार 4x4 का लोगो दे रखा कंपनी ने, ब्रांडिंग दे रखी अपनी कड़े और ना भाई, और ट्रैक्टर भी कभी दमदार लगा यू करो बड़ा सा लग करा है। और इसमें भाई डुअल पंप दे रखी है, यो होगी अपनी हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली, यो होगी अपनी पावर स्टीयरिंग की, चीज़ काफ़ी बढ़िया बना रखी है जी।
और ऊंचाई भी काफी भाई से मतलब काफी बड़ा रखी है जी इसकी जो है भाई। और 855 हो एक रहना उन तब बढ़ गया है जी इसकी। और इंडिकेटर तो करते भाई सादा सिंपल दे रखे है वही वाले। और यो चीज़ भाई देख सको आप काफ़ी बढ़िया दे रखा है कंपनी ने। यो अपने हैंड ब्रेक दे रखी है और इसमें अपना सेंटर गियर बॉक्स यो हो लिया भाई जिसमें हाई लो का तो यो गियर हो गया और 1 2 3 4 यो हो गया मैन गियर बॉक्स यो हो लिया। और देख सको हो टापा कति मजबूत बना रखा कंपनी ने भाई कति देखने लायक है ट्रैक्टर पीस है भाई। और यह वो ट्रैक्टर है जो कर नए मॉडल में आया करा है 963 में यो 100 आया करती है तो भाई 855 में आ लिया। और बात करें जी इसकी लाइट की तो काफ़ी साफ इंडिकेटर मतलब साफ वाला शीशा दे रखे है कति क्लियर देखा होगा रात का विजन जो है भाई एक नंबर करा होगा अपना बढ़िया। और स्वराज तो भाई स्वराज है इसकी आवाज़ ही काफ़ी बढ़िया लेकिन इस मॉडल की जो है भाई आवाज़ चेंज कर रखी है कंपनी ने। और भाई इस समय MRF कंपनी के टायर दे रखे हैं डड़ा था भाई चीज़ तो काफ़ी बढ़िया लग गया करा यार ट्रैक्टर की काफ़ी बढ़िया बना रखा भाई कंपनी ने देखने दिखाने लायक चीज़ आया साची में यार बढ़िया बना रखा। यो तो लीवर के धीरे जा रहा है अड़ा तो न्यू होता हुआ सीधा लीवर के दौरे जा रहा है अड़ा तो न्यू काम कर रहा है लेकिन अब बिछड़न की जरूरत होना। और कंपनी ने भाई हुक तो काफ़ी हैवी दे रखा कंपनी ने अपना मतलब हैवी ट्रॉलर पर चल रहा है और मतलब हैवी लोड पर भी चल रहा है फिर भी अपने कभी बदलने की जरूरत को नहीं आया तो हैवी है बनाए रखा जी। और बात करें तो भाई इसकी सरिये पे ट्रॉली पर चल रहा है और बढ़िया है जी। और सीट कति आरामदायक देगा मतलब टॉप मॉडल की है यार सीट भाई। और ऊपर तक चढ़ के देखे भाई के है समय अपना दिखा दूँ। और जड़ा तो यो बोनट खोल लिया हो तो यो अड़ा तक खुल जा है तो भाई यो अड़ा तक चीन ऊपर है जा है मतलब बढ़िया करके यो एयर क्लीनर हो रही है भाई 1975 सोल्ड पावर साइंस यो काफ़ी भरोसा है मतलब काफ़ी टाइम से यो ट्रैक्टर चल रहा है स्वराज कंपनी का। और यो दे रखे भाई कंपनी ने पहले अगर आपने डोजर लोडर किमें और लगाना हो तो आपने कहीं सूरा बुरा गया बेल्डिंग करवाने की जरूरत को नहीं है अड़ा तो यो नट खोल दो अड़ा तो वो चार नट परली साइड है अड़ा तेनों ला लियो वो बंपर वंपर रह गया आराम तो मस्त रहोगा जुगाड़ यार। और भाई इस ट्रैक्टर की काफ़ी बढ़िया है यो चीज़ भाई इंजन की अड़ा लंबाई बढ़ा रखी है जी इसकी यो बढ़ा रखी है पहले यो सेम आया करता अड़े तेन चिपके रहा करता लेकिन अब कंपनी ने यो अड़े तक लंबाई बढ़ा रखी है जबकि 4x4 पर काफ़ी बढ़िया करके कामयाब रहा है ट्रैक्टर तो भाई चीज़ है काफ़ी बढ़िया बना रखी है कंपनी ने यार। तो भाई बस यो भाई पैरदान तेन मैं मिस्टेक लग गया यो चीज़ कंपनी ने सुधार करनी चाहिए जो आगे भाई उपर तो बैठ के ओ भाई काफ़ी आरामदायक रह रही है। तो इसमें भाई एक तो अपना हो लिया या टेम्परेचर मीटर और दूसरा हो गया अपना फ्यूल टैंक वाला और यो एक RPM और आवर्स वाला कि मैं होर तो होर के ही ना है यार इसमें मतलब यो टेक्नोलॉजी बना रखी है। और यो अपना लाइट का स्विच हो लिया या और यो अपने चाबी का स्विच हो लिया ऑन ऑफ करण खातिर मतलब ऑन स्टार्ट कर सको इस तरह यो पार्किंग वाला हो गया शायद हाँ यो पार्किंग वाला है जिसका इंडिकेटर चारों जलेंगे। और यो हो गया भाई अपना फीस बॉक्स जड़ा था यो कंपनी ने लिख रखा है जी पूरा लिख रखा है कंपनी ने कि मैं किसका क्या सिस्टम है। यो ट्रैक्टर भाई साइड गियर में भी आवा है ABC गियर बॉक्स में भी आवा है लेकिन भाई ने अपने यो ले रखा ट्रॉली की वजह तक और काफ़ी बढ़िया चीज़ है ट्रॉली की वजह तक 855 भाई नाम है ये दबता कोन्या है तेल खा जाओगे लेकिन दबता कोन्या है। और भाई ने बता रहा था कि भाई काफ़ी बढ़िया चल लेकर आया ट्रैक्टर और लोड का तो मैं पूछो कौन है भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ लागी भाई मन्ना भी अगर आप किसी भाई ने चाहिए ना तो मेरे द्वारा कमेंट कर लेना भाई बाकी मैं अपना रिप्लाई दे दूँगा तो बाकी देख सको भाई पीस तो कभी गजब लाग रहा भाई ठीक ठाक है एक नंबर पीस लाग गया भाई।
यो अपना अलीगढ़ रेजिडेंसी तार रखा जो तेनों ला रखा जो यूपी में अलीगढ़ यूपी में पढ़ा है वही पावर स्टीयरिंग का वाले समा अलग दे रखा है जी और ट्रैक्टर में यो आवे है लगता है इससे में आता है लेकिन इसका भाई अलग कर रखा है। तो भाई कैसे लगी अपना वीडियो जो चीज़ आप कमेंट में बता देना। बाकी भाई अगर इसी वीडियो खातर अगर और चाहिए ना भाई तो अपने बस कमेंट में कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। कमेंट में भाई जय श्री राम जरूर लिख दो।